सीक्रेट नंबरदारी व्यापारियों के लिए ही क्या? हमने 5 मांगे आज रखी हैं सत्ता में बैठे शहतीर पे बैठे अहंकारी निरंकुश शासकों को। नंबर 1, आईजी की अध्यक्षता में, आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एक एसआईटी बने जो जितनी फिरौतियां जींद में हुई हैं, सफीदों और जुलाना में हुई हैं, श्याम सुंदर बंसल जी की जो हत्या हुई है, इन सब की जांच करे और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाए। दूसरी मांग, हमारे जो व्यापारी भाई हैं समेत श्याम सुंदर बंसल जी के परिवार के, उनको पुलिस की सुरक्षा दी जाए। नंबर 3, पूरे प्रांत में जो संगठित अपराध फैल गया है, कल ही बड़ौदा गांव के अंदर उचाणा में एक बैंक लूट लिया गया, घरोंडा में एक और बैंक लूट लिया गया, पुंडरी में 50 लाख रुपया लूटने की वारदात हुई, कैथल में एक व्यापारी और उनकी धर्मपत्नी की हत्या कर दी गई, हिसार में हमारे जो विपिन रहेजा साहब हैं उनसे खुलेआम गुंडों का गैंग फिरौती मांगता है। इसलिए एक नंबर जारी किया जाए, जो नंबर पे कॉल रिसीव करने वाला कॉल करने वाले की आइडेंटिटी को गोपनीय रखे और जहां भी फिरौती कोई मांगे व्यापारियों को बाकायदा पब्लिकली वो नंबर सर्कुलेट हो, उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रहे ताकि उनको उन गैंग के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कुछ ये हमारी मांगे हैं, अगर सरकार ये मानेगी, संगठित अपराध पर लगाम और अंकुश लगाएगी तो ठीक है, वरना ये जन आंदोलन एक बड़ा बड़ा रूप लेगा जिससे सरकार की चूल्हे हम हिलाकर रख देंगे। चेतावनी दी है मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और सरकार को कि या तो अगले 7 दिन के अंदर श्याम सुंदर बंसल जी के हत्यारे और संगठित गिरोह को या तो पकड़ लें, नहीं तो फिर सत्ता से चलता होने की तैयारी कर लें। अभी आपने किसान हो, गरीब हो, खासतौर से दुकानदार और व्यापारी हो, आज उसकी जिंदगी सुरक्षित नहीं। हमारा दुकानदार, हमारा व्यापारी आज खौफ के साए के अंदर जीने को मजबूर है। संगठित अपराध, संगठित गिरोह खुलेआम पनप रहे हैं, व्यापारियों की हत्या हो रही है, श्याम सुंदर बंसल जी की हत्या उदाहरण है संगठित अपराध जिले में और प्रदेश में पनपने का। इसी प्रकार से एक दर्जन के करीब ऐसे वाकये हैं जब जींद में फिरौती मांगी गई और मजबूरी में दे दी गई। सफीदों के सारे डॉक्टर साहिबान सफीदों छोड़कर पलायन कर गए, जुलाना का व्यापारी पलायन कर गया, उचाणा की यही स्थिति है। आए दिन डकैती, आए दिन फिरौती, आए दिन लूट, आए दिन चोरी, आए दिन गुंडागर्दी। ये सच्चाई है कि हरियाणा की जो मानचित्र है सामाजिक, अब उसका हिस्सा बन गया है। अभी आप और इसके लिए सीधे सीधे अगर कोई जिम्मेवार है तो माननीय खट्टर साहब और उनके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिम्मेवार हैं। और जींद में तो एक और बात है, यहाँ संगठित अपराध को, यहाँ गिरोहों को प्रत्यक्ष या परोक्ष सत्ता में बैठे सफेद पोशों का संरक्षण है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जींद की अनाज मंडी के साथ वो दुकान जहाँ से 3 बोरी हथियारों का हमारे व्यापारी भाइयों ने बताया कि जजीरा पकड़ा गया, पर सारा मामला रफा दफा हो गया क्योंकि वो एक बहुत बड़े नेता के करीबी थे। सरकार गुंडों के साथ है, सरकार गिरोहों के साथ है, सरकार अपराधियों के साथ है, या फिर सरकार व्यापारी, दुकानदार और गरीब के साथ है, सवाल ये है।